बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह सके। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है? सपा सांसद अफजाल अंसारी ने गांजा और भांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। अफजाल ने कहा कि लोग धार्मिक स्थलों पर प्रसाद कहकर गांजा पीते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इसे कानून का दर्जा दे दिया जाए। अफजाल बृहस्पतिवार को पत्रकार भवन में मीडिया से बात कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए कि ये नई शराब की दुकानों को बंद कराए। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए, सरकार इसको बंद करे। कानून का दर्जा देकर इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना मखौल मत उड़ाओ। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि गांजा को वैध कर देना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और भगवान की बूटी कहकर पीते हैं। भगवान की बूटी अगर गांजा है तो ये अवैध क्यों है? ये दोहरी नीति क्यों? अगर गांजा कानूनन अवैध है तो पीने की छूट क्यों? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं क्या आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? अफजाल ने कहा कि कुंभ में अगर एक मालगाड़ी गांजा भेज दिया जाए तो वो भी खप जाएगा। साधु संत महात्मा और समाज के बड़े बड़े लोग बड़े शौक से गांजा पीते हैं। ना यकीन हो तो मेरे साथ गाजीपुर के मठों में चलकर देखिए कि क्या स्थिति है। मेरी सरकार से मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दिया जाए। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाद मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है के साथ बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं, और कहते हैं साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। अब देखना ये होगा कि सपा सांसद अफजाल अंसारी के इस एक्शन का योगी सरकार पर क्या रिएक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।